अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलगुले की रेसिपी। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और ये बहुत ही यम्मी बनते हैं मीठे गुलगुले। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैंने शुगर लिया है। आप चाहें तो शुगर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। और 2 से 2.5 छोटा चम्मच मैंने जो है सूजी लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। 3 से 4 मैंने छोटी इलायची को लेके इस तरह कूट लिया था। आप पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ लिए थे। और ये रेजिंग है किशमिश, ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए बनाते हैं इसको। हम आटे में हम सभी चीज़ों को डाल देंगे, बस हमको बेकिंग सोडा जो है बाद में डालना है। उसको जब हम अच्छे से फेंट लेंगे 3 से 4 मिनट, उसके बाद मुझे ऐड करना है। सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब मैंने 1 कप पानी लिया है, उसको मैं धीरे धीरे करके डालूंगी और इसको अच्छे से मुझे फेंटना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम रहे जो आप बना सकें, हाथ से डाल सकें उठा के। तो इस तरह से मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये देखिए, ये अच्छे से फेंट गया है, ऐसा होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब मैं इसके अंदर सोडा ऐड करूँगी। सोडा ऐड करके हमको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको आप बेट कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक भी होना चाहिए और फ्लोई भी होना चाहिए, इस तरह से जैसे मैंने बनाई है। तो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा करिएगा ना बहुत पतला। ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक बार और हल्का सा फेंट लेंगे। अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छानने के लिए मैंने ऑयल को पहले गर्म किया है, फिर लो फ्लेम करके धीमी आँच पर मुझे एकदम बनाना है। तेज़ आँच बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आप इसको टच मत करिएगा, ये टच करेंगे अगर तो ये टूट सकते हैं। तो जब ये होने लगते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर आने लगेंगे और नीचे से जब आपको ब्राउन दिखेंगे तब आप इसका साइड हल्के हाथों से एकदम चेंज कीजिएगा ताकि ये टूटे ना। और बस आप इसको दोनों साइड से ऐसे ही ब्राउन कर लीजिए, बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए। और दोनों साइड से जब आपको लगे हो गया है, और आप लगातार हल्के हल्के इसको चलाते रहिएगा ताकि ये ज़्यादा जले ना और हर तरफ से जो है अच्छे से पक जाए। और ये हमारे गुलगुले बनके तैयार हैं बहुत ही टेस्टी से। तो आप इसे किसी टिश्यू पेपर में निकाल लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक्ड हो जाए। सभी को मैंने निकाल लिया है। देखिए, मैंने इसको तोड़ के देखा है, अंदर से बिल्कुल ये जालीदार है। इस तरह से अंदर से जालीदार रहते हैं तो इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे से पक गए हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।